हजमोला के फ्लेवर की बात करें तो हजमोला में काफ़ी फ्लेवर आते हैं मेरे पास, जैसे आप ये देख सकते हैं रेगुलर फ्लेवर है, तो इसमें इमली फ्लेवर और काफ़ी फ्लेवर मैंने देखे हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें इसमें बॉटल का कलर भी साथ में चेंज होता है, इसकी कैप का कलर भी चेंज होता है। जैसे कि इमली का मैंने देखा था तो वो पर्पल कलर की कैप और पर्पल ही कलर का थीम था उसका, जैसे कि ये रेगुलर में आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है। जबकि कारमीना जो है उसके फ्लेवर्स नहीं हैं, वो एक ही फ्लेवर में है, वो रेगुलर ही है, इसमें कोई दूसरा इमली या इस तरह चटखारा या कुछ भी ऐसा फ्लेवर नहीं है। तो मुझे तो ये बहुत हैंडी भी लगती है, मैं इनको अपने बैग में रख लेती हूँ इजीली, और यूज़ करना भी बहुत इजी है। खाने के बाद आप दो टैबलेट्स या एक टैबलेट अपनी मर्ज़ी से आप आराम से च्यू कर सकते हैं, और पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार पानी लेना बहुत ज़रूरी है, तो पानी के बगैर टैबलेट्स नहीं ले सकते, पानी के बगैर आप ले सकते हो, खाने के बाद चलते फिरते खा सकते हो। तो मैं तो ये यूज़ करती हूँ अपने लिए, और ये निज़ाम है, निज़ाम को तकवीत देता है, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है क्योंकि इसमें तमाम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हुए हैं जो आमतौर पर हम अपने खानों में यूज़ करते हैं, जैसे ब्लैक सॉल्ट हो गया, क्यूमिन सीड्स हो गए, और लीमू का रस वगैरह, इस तरह की चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं, तो ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, इस तरह का। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हेल्थ के, तो आप ये यूज़ करें। और खैर इसकी एक्सपायरी डेट के बारे में बात करते हैं, तो इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो ऊपर मेंशन होती है, जबकि कारमीना की एक्सपायरी डेट नीचे मेंशन है। तो आप जब भी कोई मेडिसिन ख़रीदने जाएं तो एक्सपायरी डेट को लाजमी मद्देनज़र रखा करें, क्योंकि एक्सपायर्ड मेडिसिन बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो मैंने तो इनके बारे में यही जाना है यूज़ करने के बाद, मेरा तो यही ख्याल है इनके बारे में कि ये अच्छी हैं और मज़ेदार भी हैं, और एलोपैथी मेडिसिन की तरह आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देंगी, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं रेगुलर बेस पे। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और गिव अ थम्स अप।